मेरा तो कम उम्र में माता पिता ने शादी कर ही दिए थे, इसके वजह घर में घरेलू हिंसा होता था, तो इसी वजह से मैं अपना जिंदगी उसी को मान ली। अरे दीदी, कोई जरूरी नहीं समझता हमसे बात करना। हमारे यहाँ तो पति, सास ससुर यही मिलके फैसला ले लेते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये आपका शरीर है, इस पर आपका हक है। हक वक्त तो दूर की बात है दीदी, हमारे मुंह से तो बोली तक नहीं फूट सकती, कोई नहीं सुनता हमारी। पहले भी मार खाते थे, इसलिए मैंने ठान ली कि मार खा के भी मीटिंग में जाएंगे। अरे दीदी, आज भी हम सावन के मेले की चर्चा करने आए हैं, ई बोल के घर से निकले हैं, पर ना आपको पता है कोई आने ही नहीं देता। अब जब हमने इस तरह से मिलने की ठान ही ली है तो बहाने तो हम लोग हजारों ढूंढ लेंगे, है ना? महिलाओं में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की मैंने एक अद्भुत क्षमता देखी है। अगर मौका मिले तो गाढ़े अंधेरे में भी बेखौफ होकर रोशनी ढूंढने निकल जाती है। आज भी मैं ऐसी ही महिलाओं से मिलने निकली हूँ जिन्होंने एक साथ जुटकर अपनी तकदीर ही बदल डाली है। यहाँ पे आज किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ पे स्नेहा क्लब की मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में आज का हमारा मुद्दा था घरेलू हिंसा। ये क्या है ये स्नेहा क्लब? दीदी ने हम लोगों को जानकारी दी कि स्नेहा का एक सीरियल आता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें आप लोग देखिए और देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ क्या क्या हम लोग मिलकर कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने ही ग्रुप की महिलाओं को जोड़कर एक स्नेहा क्लब बनाया जिसमें हमारे समस्याओं का ही चर्चा होता है। मेरे अपने माँ बाप नहीं है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कोई अपना नहीं है, लगता है कि एक भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये सब लोग आपके परिवार है, हम सब आपके परिवार का हिस्सा है। पारिवारिक बात हो रहा है, कोई किसी से शर्म नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी मन में है वो बोलो। ठीक है जी, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, आप सब लोग एक साथ हो, इतना साथ दे रहे हो एक दूसरे का, सबको तो ऐसे रिश्ते नसीब ही नहीं होते। हम सबको तो गर्व है आप पे जी। ये सिर्फ लोगों को जोड़ नहीं रही है, देखिए लोग ऐसे रिश्ता और ऐसा प्यार दे रही है जो अपनों से नहीं मिलता है। मैं दोनों बहन हूँ, एक ही दिन एक ही घर में दो भाइयों से दोनों बहन की शादी हुई। मेरा उम्र 16 वर्ष था और मेरी बहन का उम्र 13 वर्ष था। शादी होने के बाद जब ससुराल हम लोग आए तो इसके हस्बैंड का भी उम्र कम ही था। जब उनके ऊपर घर संभालने का जिम्मेवारी आया तो ठीक माहौल नहीं रहा, उन्हें लगा कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर बोझ लाद दिया गया है और ये हम अभी कर नहीं पाएंगे। उनकी भी इच्छा थी कि हम पढ़ाई करें, लगता था इनको कि इसको मतलब इसके ऊपर अत्याचार करेंगे तो मेरे यहाँ से चली जाएगी अपने मायके, तो फिर हम आराम से रह पाएंगे। घर में कुछ होता था तो इससे ज़्यादा दुख हमी को होता था। ये तो कम से कम ठीक अपना कुछ खा पी ली, लेकिन हम दो दो दिन तक खाना नहीं खाते, लगता था जैसे कि बहन नहीं मेरी अब बेटी हो क्योंकि गोद में इसको खिलाया है।
तो बहुत बुझाता था, पर खुल के बात भी नहीं कर सकते थे, खुल के लड़ भी नहीं लोग से सकते। बहुत हिम्मत मिली, दूसरा अगर जगह पर रहती तो आत्महत्या कर लेती, चाहे कुछ कर लेती, मेरा साथ देती थी, कहती थी कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि निदान से हमारी एक शिल्पी जी नाम की एक मैडम आई और उन्होंने हमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीरियल के बारे में बताया और उसमें क्या क्या मतलब महिलाओं के लिए हो रहा है और क्या क्या आगे वो मतलब कर सकती हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मैं सबसे पहले मैं उसमें जुड़ी, उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी उसमें बोला कि तुम भी इसकी मेंबर बनो। मीटिंग में आने लगे, हर एक दिन के घर के माहौल का चर्चा होने लगा, धीरे धीरे महिलाएं लोग बहुत सारी महिलाएं जुड़ी और उन्होंने भी हमारी मदद की। वो भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम, हम बेझिझक यहाँ कह सकते हैं और हमारी मतलब अपने परिवार में हेल्प मिले या नहीं मिले उसकी उम्मीद नहीं है कि हमें वो हेल्प कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पे 100% है कि आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो आपको हेल्प मिलेगी। हम लोग को किसी एक मेंबर को पता चल गया कि उसके यहाँ उसके घर में उसके साथ हिंसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उस बात को उस मीटिंग में आके पहले आपस में सब बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है उस चीज़ को, उसके बाद फिर उसके घर वालों को जाके समझाया जाएगा और समझाने के बाद अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सारी महिला को ले जाके एक बार तो बात करना ही पड़ेगा कि इस तरह का काम ना करें। सही बात हुआ, समय बीत गया, समझदारी आ गई, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली, आज अपना घर बना लिए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये भी बहुत खुशी से है और इसको खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा घर परिवार अब अच्छा हो गया और आज यहाँ तक पहुँची कि आज हमारे साथ कम से कम ये बैरिया पंचायत की हर एक घर की महिलाएं जुड़ चुकी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, स्नेहा क्लब के जरिए, और हम लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हाँ नीलिमा। हाँ दीदी, फुलवा नाम की एक औरत है ना। हाँ क्या हुआ? दीदी उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी है, उसको बहुत मार रहा है दीदी। तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और मंडली की सभी औरतों को इकट्ठा करो। अरे आप लोग फिर से तमाशा बना रहे? अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये सीरियल जो भी दिखाया जाता है तो बिल्कुल लगता नेचुरल है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा है। आपने कुछ दिखाया जो हमारे साथ हुआ, फिर दी ने ऐसे किया तो सोल्यूशन हुआ, तो हम भी ऐसे करेंगे तो कुछ होगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें एकदम है ना, हम रब कुछ होकर बोलते हैं कि इसमें सच्चाई है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप अभी? अभी एग्जाम दिया है इसमें। अरे वाह, और शादी? अभी नहीं। अभी नहीं। आप में से ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह यही है दी कि हर अगर लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे फैमिली हमारे हस्बैंड ले जाते हैं तो उसको सोचते हैं कि लेडीज डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराए, कोई जेंट्स नहीं टच करे। तो जब हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी ही नहीं तो डॉक्टर बनेंगी नहीं, तो लेडीज डॉक्टर कैसे मिलेंगे? प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सीरियल मिला था हम लोगों को मेमोरी में भर कर, तो लैपटॉप मिला उसमें घर में भी चलाकर उनको बैठा के दिखाते थे, प्रोजेक्टर मिला था तो हम लोग बाहर गली में लगाकर सबको बैठा के दिखाते थे। कहे नहीं हम भी अगर बदलेंगे तभी तो, आज हम बदलेंगे कल हमको देख के मेरे घर के आसपास के लोग बदलेंगे, तो इस तरह से उन्होंने भी अब साथ देना शुरू कर दिया है और कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आज जो सीरियल देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, ये मेरा नसीब नहीं है, अगर चाहे तो हम इसको लड़कर अपना जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। तो पहले था रोजमर्रा में सुबह उठना है, काम करना है, बच्चे संभालना, पति संभालना है, फिर रात हुई फिर सुबह, लेकिन यहाँ आने के बाद मानो जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई है कि हमको कुछ करना है। हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, हाँ अपना जैसा थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम तो कुछ नहीं करते हैं लेकिन बेटी को सब चीज़ करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ताकत होती है साथ में, जुड़ाव में, एक और एक मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं। छोटी छोटी लहरें जब साथ में आती हैं तो एक बड़ी लहर बन जाती है और तब वो छलांग लगाकर परिवर्तन के आकाश को चूम लेती है।